स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 5 साइंस के चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो ऑल लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। वाटर एनिमल्स के एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए, बर्ड्स के, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही एसेंशियल है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। हम लोग वाटर का यूज़ ड्रिंक करने के लिए करते हैं और अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जैसे वॉशिंग, कुकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग करने के लिए करते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर का यूज़ फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए, मतलब खेतों की सिंचाई करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज़ करते हैं। डू यू नो द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर। एक ह्यूमन बॉडी जो है 70% वाटर को कंटेन करते हैं। बोट्स एंड शिप्स हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स। अर्ली टाइम्स से जो है बोट्स और शिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दे मूव ऑन वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर्स, ओशन एंड सीज। और जो ये बोट और शिप्स है, ये मूव करते हैं वाटर बॉडीज़ पे, जैसे सीज पे, रिवर्स पे और ओशन पे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम लोग देखते हैं कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर एनिमल्स। ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर। सभी जानवर पानी पीते हैं। दिस हेल्प्स देम इन डाइजेस्टिंग देयर फूड। पानी जो है उनके खाना को पचाने के लिए हेल्प करता है। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। दिस हेल्प देयर बॉडीज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। ये उनकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। द एनिमल बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स। एनिमल्स बॉडी जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। सम ऑफ दीज वेस्ट गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड आर एक्सर्टेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये जो वेस्ट होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और एक्सर्टेड करते हैं यूरिन के फॉर्म में। वाटर बॉडीज लाइक लेक्स, रिवर्स एंड सीज आर नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। वाटर बॉडीज़ जैसे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज हो गए, ये नेचुरल हैबिटेट है बहुत से एनिमल्स के लिए, मतलब घर है उनके लिए। एनिमल्स लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं एक्वेटिक एनिमल कहलाते हैं। फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्राउन एंड ऑक्टोपस आर सम ऑफ द कॉमन एक्वेटिक एनिमल्स। फिश, व्हेल, सी हॉर्स, प्राउन, ऑक्टोपस जो है एक्वेटिक एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। दीज एनिमल्स कैन नॉट लिव आउटसाइड वाटर। ये एनिमल्स वाटर के आउटसाइड नहीं रह सकते, मतलब पानी के बाहर नहीं रह सकते। देयर आर सम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टर्टल, क्रोकोडाइल, दे कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। इसके एग्जांपल है फ्रॉग, टर्टल, क्रोकोडाइल। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल। ऐसे एनिमल को एम्फीबियस एनिमल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए वाटर का क्या महत्व है। प्लांट्स रिक्वायर वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। प्लांट्स को वेरियस न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। दीज न्यूट्रिएंट्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के थ्रू। दीज एब्जॉर्ब वाटर ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये एब्जॉर्ब वाटर जो है वेरियस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट्स करते हैं प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में। प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर दे आर प्रिपेयरिंग ऑन फूड बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को अपने खाना बनाने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। प्लांट्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। प्लांट्स को अपनी सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर इज़ अ हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स। वाटर जो है बहुत से प्लांट्स के लिए हैबिटेट है, मतलब घर है। वी कॉल सच प्लांट्स एज एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। हम लोग प्रीवियस अभी
प्रीवियस पेज में देखे थे कि ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं, उसी तरह यहाँ पे ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स की कुछ एग्जांपल है जैसे वाटर लिली हो गए, लोटस हो गए, डकवीड हो गए, हाइड्रिला हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो कमल ककड़ी ऑफन ईटन एज अ वेजिटेबल इम्पैक्ट द स्टीम ऑफ लोटस प्लांट। वाटर एबिलिटी इन नेचर, अब वाटर का एबिलिटी कितना है नेचर में। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हम लोग प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि अर्थ सर्फेस जो है, अर्थ का जो सर्फेस है वो 3/4 जो है वाटर से कवर है, वाटर से ढका हुआ है। हाउएवर ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इट इज प्रैक्टिकली यूज बाई ह्यूमन्स इन देयर डेली लाइफ। एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर जो 3% है, यही वाटर जो है ह्यूमन के डेली लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ग्राउंड वाटर, अबाउट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियन। वाटर 100% अवेलेबल है, 100% में जो 97% है वो वाटर जो है ओशियंस और सीज में प्रेजेंट है। द रिमेनिंग 3% वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर पॉन्ड्स लेक्स स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर। ओनली 3% वाटर जो है रिवर्स पॉन्ड्स लेक्स स्ट्रीम्स और ग्लेशियर में प्रेजेंट है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस सीप्स इनटू द ग्राउंड। वाटर का एक स्मॉल पार्ट जो है अर्थ सरफेस के अंदर चला जाता है एंड गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन अंडरग्राउंड रॉक्स। और ये जो वाटर ग्राउंड के नीचे जाते हैं या अंडरग्राउंड रॉक्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, इसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर। देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप कि अर्लियर पीपल यूज टू फेच वाटर फॉर देयर डेली नीड्स फ्रॉम रिवर्स लेक्स और वेल्स। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि पीपल जो है वाटर को ले रहे हैं पॉन्ड के थ्रू। तो अर्लियर में क्या होता था कि वाटर को जो फेच किया जाता था अपने डेली नीड्स के लिए वो रिवर लेक्स और वेल से किया जाता था। इवन नाउ इन मेनी एरियाज वेयर देर इज़ नो सिस्टम ऑफ सप्लाइंग वाटर थ्रू पाइप्स पीपल डिपेंड ऑन नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक रिवर्स और पॉन्ड्स। अभी भी ऐसे एरियाज है जहाँ वाटर को वाटर का सप्लाई पाइप के थ्रू नहीं होता था। तो वैसे जगह में अभी भी जो पीपल्स है वो नेचुरल वाटर के नेचुरल सोर्सेज पे डिपेंड है जैसे लेक्स वाटर, लेक्स रिवर्स और पॉन्ड्स में। अब हम लोग देखते हैं वेज ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को कैसे ड्रॉन किया जाता है, इसके क्या क्या मेथड है। ग्राउंड वाटर कैन बी ड्रॉन आउट इन मैनी वेज। ग्राउंड वाटर को बहुत से तरीकों से ड्रॉन आउट किया जाता है। अर्लियर पीपल यूज टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर फ्रॉम स्टेप वेल्स। पहले जो है पीपल ग्राउंड वाटर को स्टेप वेल्स के थ्रू ड्रॉ करते थे। अ स्टेप वेल इज़ अ वेल हैविंग स्टेप्स ऑन ऑल साइड्स। स्टेप वेल में क्या होते थे, सभी साइड से स्टेप्स बने होते थे, मतलब सीढ़ियाँ बनी होती थी। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि स्टेप्स बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है साइड में। दिस इनेबल्स पीपल टू गो डाउन टू फेच वाटर। ये जो स्टेप्स होते थे ये पीपल्स को अंदर जाके पानी लाने में, फेच आउट करने में हेल्प करते थे। ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ड्रोन आउट एंड यूज फॉर इरीगेशन विद द हेल्प ऑफ अ वाटर व्हील और अ रेहट। ग्राउंड वाटर को और भी पर्पसेस के लिए ड्रोन आउट किया जाता था। ग्राउंड वाटर इरीगेशन में भी हेल्प करते थे जिससे रेहट के थ्रू होता था। अ वेरी कॉमन एंड वाइडली यूज मेथड टू ड्रॉ आउट ग्राउंड वाटर फ्रॉम ए वेल इज यूज टू पुली। ग्राउंड वाटर को वेल के थ्रू भी ड्रोन आउट किया जाता था पुली का यूज़ करके। पुली मतलब होता है घिरनी, कुएं में घिरनी लगा के पानी को खींचने से बहुत ही आसानी होती है। आप लोग घिरनी देखे होंगे, देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि वेल है, वेल में देखिए ऊपर में लोहा लगा हुआ है, एक पुली लगा हुआ है। ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो ड्रोन आउट यूजिंग ट्यूब वेल्स। ग्राउंड वाटर का वो जो है ट्यूबवेल्स के थ्रू भी ड्रॉन आउट किया जाता है। इन ए ट्यूबवेल ए लॉन्ग पाइप इज इंसर्टेड डीप इनटू द ग्राउंड वेयर इट डिप्स बिलो द ग्राउंड वाटर लेवल। ट्यूबवेल में क्या होता है, एक लंबे पाइप को ग्राउंड में डीप किया जाता है वाटर लेवल तक, बिलो द वाटर लेवल तक। वाटर इज देन ड्रोन अप बाई यूजिंग अ हैंडपम्प और एन इलेक्ट्रिक पम्प। और फिर वाटर को हैंडपम्प और इलेक्ट्रिक पम्प के थ्रू ड्रोन आउट कर लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं वाटर सप्लाई। Nowadays there are well planned water supply system that supply water to homes and offices in the cities. आज की डेट में वाटर को सप्लाई करने के लिए एक वेल प्लान्ड मेथड को डेवलप किया गया है जिसके थ्रू वाटर को होम्स, ऑफिसेज और
तक पहुंचाया जाता है। सच सिस्टम्स आर ऑल्सो बींग यूज इन मैनी विलेजेस। अब इस सिस्टम का यूज़ बहुत से विलेजेस में भी किया जाने लगा है। इन सच सिस्टम्स द रिवर वाटर इज़ यूजली प्योरीफाइड बाई अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस डेट मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इस सिस्टम में वाटर को प्योरीफाई किया जाता है जो पीने के लिए फिट है, ड्रिंक करने के लिए फिट है। दिस प्योरीफाइड वाटर इज देन सेंड टू होम्स एंड ऑफिसेस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पम्प्स एंड पाइप्स। ये जो प्योरीफाइड वाटर है एक नेटवर्क ऑफ पम्प्स या पाइप्स के थ्रू हर एक घर और ऑफिस में सेंड कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो श्रेयस, इसी के साथ हम लोगों का ये एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।